हम जल रोज पर हैं और हमने खोज को असुर ताल में रमन करना है तो कैसे करें? तो हम इन 500 मंदिर की जल रोज पर खुद को देखें, है ना। यहाँ पे जल तरफ देख रहे हैं तो अपने को 5 स्तंभ 4 घड़ाली जमुना जी का इसमें खोज कौशल में समाना। तो वो सुंदर शोभा के कठेरों को लग कर खड़े हैं, जल में डूबे 4 स्तंभ 4 घड़ाले और जमुना जी कितनी तेज गति से इसमें समाती हुई खोज कौशल में। और जब हम मुख इधर की तरफ करें 16 देरी के घाट की तरफ, तो इन 500 मंदिर को पार करके अपने को यह तीनों तीनों मेहराबों में दरवाजे मिलेंगे, क्योंकि महाराज शिव जी की वृत्ति में अभी पढ़ा कि घेर कर 256 दरवाजे आए हैं और 256 दरवाजों से ही सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये सीढ़ियां इन दोनों से भी उतरती हुई, तो किसी भी सीढ़ी से चढ़कर 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा, ताल तरफ देखते हैं तो 250 250 मंदिर की 3 मेहराबे। दाएं बाएं देखते हैं तो अक्षी मेहराब, क्योंकि दूसरी तरफ से सीढ़ी उतरी है। और इधर भीतर की तरफ देखते हैं तो अपने को 6 मेहराबे। ये 5 स्तंभ 4 मेहराबे तो चरोखी के थंभ हुए, दाएं बाएं एक एक मेहराब हो। तो इसी के ऊपर अपना चांदा आया है बड़ा, जिसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। अब इन जगह को पार किया तो हम आने जाने वाली रोंस पर पहुंच गए 16 देरी के घाट की। ठीक मध्य में अपने को कुंड नजर आ रहा है, कुंड को घेर कर 8 थम और इसको घेर के 125 मंदिर की सुंदर मेहराब, सुंदर स्थान बैठक, जहां पर राजश्यामा जी संग हम बैठते हैं। और यहाँ पे जब जमुना जी जा रही है, तेज गति से जमुना जी अंदर जा रही है और बीच में से कुछ जगह खोल देंगे तो जल की लहरों को महसूस करेंगे। यहाँ पे जल कितना उमड़ घुमड़ रहा होगा। और इधर हम देखेंगे तो ये चरोखी के थम, दाएं बाएं एक एक मेहराब, यहाँ से खड़े होकर सामने जमुना जी का इन रोंस के तले से होते हुए अंदर जाना, दाएं बाएं जल रोंस पाल की शोभा। अब किसी थम से सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आ गए। जब चांदनी पर आते हैं तो जो कुंड कुंड को घेर कर जो बैठक थी, उस स्थान पर अपना 500 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा, 5 स्तंभों की 5 आ रही, घेर के 125 मंदिर की रोस। तो चौरस पाल का 750 मंदिर स्थान तो ले लिया इन 16 देरी के घाट ने। तो यहाँ पर वायव और नैऋत्य कोने में जो 125 मंदिर के लंबे चौड़े कोने बने, उन कोनों में छोटी देहुरियां आ गई जो घेर कर 128 पड़ी आई है। इधर 125 मंदिर की रोस, इधर भी 125 मंदिर की रोस, आगे 125 मंदिर और चलेंगे तो ये वृक्ष। और इधर इस रोस से खड़े होकर हम यहाँ जल तरफ देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके तले जो थंब आए हैं उसको चरुखे के थंब कहते हैं। अब भीतर की तरफ देखें तो इन 250 मंदिर की रोस को पार करके जैसे ही हम ये वाले इस मतलब इन 225 मंदिर की रोंस को पार करते ही जैसे आगे पहुंचते हैं, तो ये जगह हो गई अपनी 250 मंदिर की चौड़ी और 750 मंदिर का लंबा चांदा, जिसके तले हमने अभी जल की तरफ 3 मेहराबे देखी थी। दाएं बाएं से उतरती चांदे से मतलब कटीपाल की सीढ़ियां उतरती हुई। तो इस तरह से अगर अपन जल रोंस में है और अपने को 16 देरी के घाट में आना है तो इस तरह से शोभा।